सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ थॉर 4 के बारे में। सो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद इस साल मार्वल की नेक्स्ट बिग मूवी थॉर 4 होने वाली है, यानी कि थॉर 1100 होने वाली है। इस साल थॉर 4 जुलाई के महीने में रिलीज होने वाला है और इस मूवी का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि गॉर द गॉड बुचर होने वाला है। सो थॉर 4 के प्लॉट से रिलेटेड और गॉर द गॉड बुचर से रिलेटेड कुछ मेजर लीक्स अभी इंटरनेट पे आए हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी थॉर 4 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थॉर 4 का मेन विलन गॉर द गॉड बुचर होने वाला है और गॉर द गॉड बुचर को थॉर 4 के अंदर क्रिस्टन बेल प्ले करने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बेसिकली गॉर द गॉड बुचर, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है, एक गॉड किलर है। मतलब गॉर द गॉड बुचर मार्वल यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारना चाहता है और उनके पावर्स लेना चाहता है। बेसिकली कॉमिक्स में ये होता है कि गॉर द गॉड बुचर की फैमिली एक फैमिन के कारण मर जाती है, यानी कि भुखमरी कारण मर जाती है, और उनकी फैमिली और पूरी की पूरी ट्राइब गॉड्स पे काफी ज्यादा विश्वास करती थी, पर गॉड से प्रे करने के बाद भी बेसिकली गॉड्स उनके ट्राइब को नहीं बचाते हैं, जिसके कारण गॉर द गॉड बुचर की पूरी ट्राइब मर जाती है। और जब गॉर को यह पता चलता है कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, पर तब भी गॉड्स ने गौर के ट्राइब की हेल्प नहीं की होती है फैमिन के वक्त पे, तब गौर बेसिकली गॉड्स से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोच लेता है कि वो अब सारे गॉड्स को मारेगा। गौर को बेसिकली नल की स्वॉर्ड यानी कि नेक्रो स्वॉर्ड मिल जाती है, जिसके बाद गौर बेसिकली इमोर्टल हो जाता है। इसके अलावा गौर जितने भी गॉड्स को मारता है वो उन गॉड्स की पावर अब्सॉर्ब कर लेता है, और बेसिकली गौर का मोटिव यही रहता है कि वो सारे गॉड्स को मार दे। और क्योंकि थॉर भी एक गॉड है, इसलिए गॉर द गॉड बुचर थॉर से भी लड़ता है। तो बेसिकली थॉर 4 के अंदर भी गौर की स्टोरी ऐसे ही होने वाली है, जहां पर उसकी फैमिली फैमिन के कारण यानी कि भूखमरी कारण मर जाएगी। पर बेसिकली मार्वल में गौर की बैक स्टोरी को थानोस के स्नैप से कनेक्ट किया जाएगा, जहां पर बेसिकली क्योंकि थानोस के स्नैप की वजह से गौर का आधा ट्राइब डिसअपीयर हो गया था, जिसके कारण उसके प्लैनेट पे काफी सारे रिसोर्सेज थे हर एक व्यक्ति के लिए। पर क्योंकि एवेंजर्स ने थानोस के स्नैप को रिवर्स कर दिया था और सारे यूनिवर्स की पॉपुलेशन वापस आ गई थी, इसलिए गौर के ट्राइब के जितने मेंबर्स डिसअपीयर हुए थे वो लोग भी वापस आते हैं। और क्योंकि सारे लोग वापस आ जाते हैं और क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, इसलिए गौर के प्लैनेट पे फिर से एक फैमाइन होती है, यानी कि भुखमरी होती है, जिसके कारण गौर का एक बेटा और गौर की एक प्रेग्नेंट वाइफ मर जाती है, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली थॉर 4 के अंदर गौर गॉड द गॉड बुचर बनेगा। और इसीलिए बेसिकली थॉर 4 के अंदर गौर द गॉड बुचर थॉर को मारने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि बेसिकली थॉर ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं उसके फैमिली को मारने में, क्योंकि बेसिकली थॉर एवेंजर्स के अंदर था और एवेंजर्स नहीं थानोस को स्नैप को रिवर्स किया था, इसलिए कहीं ना कहीं गॉर द गॉड बुचर थॉर को ही मारना चाहता होगा। तो बेसिकली थॉर 4 के अंदर एक बार फिर से हमें बताया जाएगा कि कैसे थानोस कुछ मायनों में सही भी था। भले ही थानोस ने एक जेनोसाइड कमिट किया था, पर कुछ लोग डेफिनेटली थानोस को सही मानते हैं एमसीयू के अंदर, और इस चीज को हमें थॉर 4 में भी दिखाया जाएगा। बाकी आपको गॉर द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी कैसी लग रही है थॉर 4 के अंदर, ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।